बचपन से ही हमारे को सपना रहे कि हम बड़ होके खूब पढ़े लिखे, जितना इनका पढ़े लिखे कराए अपना नैहर में पढ़ लिख ले। अरे तुम बहुरिया के कहो कि अब ससुराल में बहु पढ़े लिखे के उम्र ना होला तो चला हमरो बीए में एडमिशन करा दिया। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हानिकारक मेहरारू फिल्म के बारे में। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में। 23 अप्रैल को यूट्यूब पर विक्रांत सिंह और रितु सिंह की आने वाली भोजपुरी फिल्म हानिकारक मेहरारू का ट्रेलर रिलीज किया गया है। इस फिल्म में रितु सिंह एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही है जो शादी के बाद पढ़कर कलेक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन वह कैसे पूरे परिवार और समाज के लिए हानिकारक हो जाती हैं यही इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी बहुचर्चित ज्योति मौर्य के मामले से मिलती जुलती है, लेकिन पूरी तरह से वह कहानी नहीं है। इस फिल्म में विक्रांत सिंह एक साधारण परिवार से आते हैं और उनकी शादी रितु सिंह से हो जाती है जो और पढ़ना चाहती है और कलेक्टर बनना चाहती है। हानिकारक मेहरारू भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर 23 अप्रैल को यूट्यूब चैनल पर एंटरटेन रंगीला पर रिलीज़ किया गया है। फिल्म का ट्रेलर 4 मिनट 22 सेकेंड का है। ट्रेलर की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक गाना दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर अच्छा है और शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। वैसे तो इस फिल्म की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन ऐसी फिल्में टीवी पर बहुत जल्द रिलीज़ की जाती है। ऐसी फिल्मों को टीवी पर बहुत पसंद किया जाता है और आजकल विक्रांत सिंह राजपूत भी टीवी के एक पॉपुलर कलाकार बन गए हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार की बात करें तो विक्रांत सिंह राजपूत और रितु सिंह। इस फिल्म के अन्य कलाकार हैं महेश आचार्य, अमित शुक्ला, कंचन मिश्रा, करिश्मा मित्तल, सरिशा दे, दीपिका सिंह, सुसंतोष मिश्रा, प्रिया दीक्षित, रोशनी कश्यप, साहिल सेख, सनी वर्मा और अन्य कलाकार। इस फिल्म का निर्देशन भोजपुरी के मशहूर डायरेक्टर इश्तियाग शेख बंटी ने किया है। इस फिल्म के अन्य सदस्य के नाम इस प्रकार हैं, जैसे निर्माता हैं विनय सिंह और अंशुमान सिंह, निर्देशक हैं इश्तियाग शेख बंटी, कार्यकारी निर्माता है सुभाष चौहान, संगीत साजन मिश्रा का है, लेखक हैं शकील अहमद, छायांकन हेमंत जायसवाल, संकलन सुरवना यादव, नृत्य कानू मुखर्जी का है, कला संजय कुमार। दोस्तों इस फिल्म की कहानी पारिवारिक और सामाजिक मुद्दे पर आधारित है। फिल्म में शिक्षा के महत्व को दर्शाया गया है। फिल्म की कहानी बहुचर्चित ज्योति मौर्य के मामले पर आधारित है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। फिल्म में विक्रांत सिंह की शादी रितु सिंह से होती है और शादी के कुछ ही दिनों में रितु सिंह विक्रांत से कहती है कि उनकी इच्छा आगे पढ़कर एसडीएम बनने की है, लेकिन उनके घर वाले उन्हें पढ़ने नहीं देना चाहते। फिर विक्रांत सिंह अपने परिवार से बिना बताए रितु सिंह को पढ़ाते हैं, उनका एडमिशन यूपीएससी की कोचिंग के लिए करवाते हैं और जब फीस देने के लिए उनके पास फीस नहीं होती तो वे अपनी बाइक बेचकर अपनी पत्नी की फीस जमा करते हैं और उनकी यह मेहनत और त्याग रंग लाता है। रितु सिंह यूपीएससी की परीक्षा में टॉप करती है। अब उनका इंटरव्यू बाकी रहता है, लेकिन इसी बीच विक्रांत सिंह को पता नहीं क्या हो जाता है कि वे अब रितु सिंह की पढ़ाई से खुश नहीं रहते और यहाँ तक कि रितु सिंह की सारी किताबें जला देते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं और क्या रितु सिंह का इंटरव्यू हो पाएगा और क्या उन दोनों में सुलह हो पाएगी या नहीं, इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको यह फिल्म देखनी पड़ेगी।